हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मिरर जैसे कि कनकेव या कन्वेक्स, मतलब अवतल या उत्तल दर्पण, कनकेव होता है ये मिरर एंड ये कन्वेक्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में इसको अवतल बोलते हैं और इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला होता है यू वी एंड एफ में रिलेशन, जहाँ पे यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे पोल से मापे जाते हैं। तो बड़ा बड़ा लिखना, बड़ा बड़ा। भी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड एफ होता है फोकल लेंथ। तो चलिए प्रूव करते हैं इसे। हम लोग जानते हैं कि, तो अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। चलो रहा, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में दो केसेस होता है इमेज का, एक जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट डालते हैं और दूसरा जब पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट डालते हैं। और कनकेव यानी अवतल दर्पण में 6 केसेस होता है, तो उसमें से हम दोनों में किसी भी केस में प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कनकेव मिरर प्रूव करते हैं जिसका इमेज हम लोग देखने जा रहे हैं। यह है कनकेव मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से गुजर रहा है, ये फोकल लेंथ हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट लाइट जो कि हम ऑब्जेक्ट से गुजार रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, जो कि दर्पण से टकरा करके फोकस से गुजर रहा है। और सेकेंड लाइट जो है वो सेंटर से हम लोग पास किए हैं, जो कि फिर उसी पाथ पे लौट गया है, उसी रास्ते पे। अब एक इमेज ये भी ऑब्जेक्ट है, इमेज एडस वीडस फॉर्म हुआ है इस पॉइंट पे। अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से ऊपर पे डिग्री डाल। सारे राइट एंगल होंगे अपूर्ण करते हैं। तो हम लोग इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हैं। तो देखिए ये एंगल 90 है और ये पैरेलल जो लाइन है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी दो ट्राइंगल रहते हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश सी के, इसलिए हम लोग जानते हैं एक थ्योरम के अनुसार ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल होगा बी सी बाई बी डैश सी। इसको एक मतलब फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम एम एफ बी डैश एम एफ।
सिमिलर होगा एम एन एफ। सो एम एन बाई ए डैस बी डैस इक्वल्स हो जाएगा एन एफ बाई बी डैस ए। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं तो एम से एन परपेंडिकुलर लाइन तो ए बी के इक्वल होगा एम एन, तो एम एन की जगह पे ए बी बाई ए डैस बी डैस। और जब भी हम लोग प्रूव करते हैं दर्पण या लेंस कुछ भी में तो हम लोग एपर्चर मतलब द्वारा जो मतलब जितना जो सरफेस है उससे लाइट जो मतलब रिफ्लेक्ट होगा उसको बहुत छोटा लेते हैं, तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे एन एफ को पी एफ। एमएन को सही से लिखो ना, इसको सेकंड इक्वेशन दे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी बाई ए डैश बी डैश दोनों में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन का तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो बी सी बाई बी डैश सी इक्वल हो जाएगा पी एफ बाई बी डैश सी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये है फोकल लेंथ स्मॉल एफ, इसको डोनेट करते हैं। ये हो गया इमेज का डिस्टेंस जिसको वी से डिनोट करते हैं, और ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही मालूम है, हम लोग को ये नहीं मालूम है कि बी डैश सी कितना होगा। तो हम लोग अब इसी तीनों में लेना चाहें इसी तीनों डिस्टेंस के हिसाब से, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं, बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं, और पी एफ तो हम लोग को मालूम ही है, और बी डैश एफ को लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। अब हम लोग साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह प्रणाली का यूज करेंगे, तो पी मतलब ऑल डिस्टेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड मतलब जो इंसिडेंट रहे उसके अपोजिट साइड में, सो ऑल डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। पी वी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, फिर माइनस यहाँ पे है पी सी है रेडियस मतलब रेडियस टू एफ के इक्वल होता है तो माइनस टू बाई पी सी अगेन माइनस टू एफ, और पी वी डैश और इमेज का डिस्टेंस है तो माइनस यहाँ पे फिर माइनस इक्वल्स पी एफ क्या है फोकस है माइनस है बाई पी वी डैश यहाँ पर फिर माइनस टू पी एफ हो गया माइनस अगेन माइनस माइनस यू प्लस टू एफ बाई माइनस टू एफ प्लस इक्वल्स माइनस एफ बाई माइनस वी प्लस एफ। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे इसमें इससे इसमें, तो माइनस यू सीधे के मतलब सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यू भी माइनस यू ए माइनस टू भी ए प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा टू एफ स्क्वायर माइनस बी ए, दोनों साइड में टू एफ स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा। अब हो गया और यू भी इक्वल्स यू एफ प्लस बी ए यू एफ प्लस बी ए, तो भी यहाँ पर यहाँ पर टू बी एफ है इधर अब चला जाएगा पॉजिटिव। अब होगा यू वी इक्वल्स यू एफ प्लस बी एफ। अब इसमें इस वाले इक्वेशन में हम बोथ साइड यू वी एफ से डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग
both sides by u v, क्या हो जाएगा u v by u v f equals u f by u v f plus v f by u v f, u f से u f cancel, v f से v f cancel और u v से u v cancel, इसलिए 1 by v plus 1 by u equals u v, यही है आपका मेरा फॉर्मूला.